भगवान जी आपने कहा बहुत तमाम बातें कही इंपॉर्टेंट, किसानों के बीच में जाते हैं तो किसानों को क्या समझाते हैं कि वो कैसे चले? मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, अगर उनमें कोई कमी है तो हम पहुंचते हैं, नहीं तो हमारे बुजुर्ग है, हमारा फर्ज भी है कि हम जो चीज़ें उनको नहीं पता चलता रहा तो ये अंदर की बात होती है तो हम लोग बता, क्योंकि हम लोग आम लोगों में निकलते हैं तो पता चल जाता है क्या कमी रहेगी, कमी नहीं रहने देंगे। और हमारा आपस में कभी कोई तकरार नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया 50 साल से यही हो रहा है, 100 साल से इसी की वजह से इतने साल गुलाम रहे, कितने साल चले गए अब तो सब देखिए। आज पूरा हिंदुस्तान एकदम भाई भाई जो नारा लगाया था वो आज हो गया आपके सामने, वो ये किसानों ने कर दिया। और अगर इस मुल्क की तकदीर किसानों के हाथ में आ जाए तो बस कमाल हो जाएगी, भूखा खुश होएंगे। अभी संसद का मार्च का करेंगे जिस दिन, देखिए क्या होता है कि जो हमारे लीडर सीनियर है ये रहनुमाई करेंगे, जिस दिन हमको बोलेंगे हम जैसा नहीं जाएंगे आप जाएंगे। तो जो प्रिंट एलिमेंट कहते हैं कुछ शराबी तत्व कहते हैं उनको कैसे कभी बार ऐसा कुछ होता है तो काफी देखिए बड़े बहुत बड़ा आंदोलन है, आप देखिए इतिहास उठा के देखिए इतना लंबा आंदोलन नहीं हुआ कभी और इतनी शिद्दत से लोग जुड़े, पेट का सवाल है, इज्जत का सवाल है, आबरू गैरत का सवाल है और पंजाबी कह रहे हैं मड़क का सवाल है, ये चल रहा बहुत लंबा चल रहा है। कितना लंबा ना सर, सरकार चले जाओगी फिर अगली नू आओगी ऐसी शर्त, ये नहीं मनोगी तो फिर अगली नू मनोगे, ऐसे तो बैठे हैं चीज सोना ही है इतने सो जाएंगे, हौली हौली मकान बना लेंगे पक्के साइड से मरले जगह लेंगे, जानते तो नहीं ना इस मुल्क की तकदीर हिंदुस्तान के किसानों ने बदली सी, वो बदल के जाएंगे, एक बिल ये तो कार्य होने ही होने हैं, अगे होर भी जिहड़ियां चंगीयां चीजां उहदे लई भी मैनूं लगदी है किसान मजदूरी लड़ गया, कारपोरेटर ने बहुत राज कर रहे हैं, कारपोरेटर ने बहुत राज कर रहे हैं, करे भगवान साहब ने वक्त दिया और उनका कहना है कि वो यहीं जब नहीं जाएंगे यहाँ से किसानों के बीच रहेंगे जब तक कि तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते, और दूसरे अगर कोई कानून आया और जो सरकार ने जनता के फेवर में नहीं किए तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। श्री शशिकांत झा के साथ सिंह बॉर्डर।